हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं 2022 से 25 और इससे पहले जो भी हैं, जो भी सेशन चल रहा हो आपका, अगर आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पार्ट वन में एडमिशन लिए हैं तो उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि ये पार्ट वन के लिए ही है, आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी क्वेश्चन रहता है, होता क्या है जब क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट्स में और साइंस में, तो होता क्या कि जो भी आर्ट्स वाले में जो सवाल पूछा जाता है तो होता, तो साइंस वाले लोग क्या करते हैं कि जो आर्ट्स वाले में जो सवाल पूछा जाता है तो उसका जो ऑप्शन जो आंसर होगा ना, तो उस ऑप्शन को उठाकर साइंस वाले में क्वेश्चन बना दिया जाता है और क्वेश्चन में से आंसर निकाल कर डाल दिया जाता है ऑप्शन में। ये होता है लोचा। ठीक है, ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें, आप लोग समझ सकते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आइए आज हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक रश्मि रथी से। इसमें कुल 100 क्वेश्चन से ऊपर होंगे, यानी 106 क्वेश्चन हैं टोटल, तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो का होगा जिसमें हम 25 क्वेश्चन ही लेंगे, उसके बाद फिर इससे आगे लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी वीडियो अगर एक साथ बनाते हैं तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे, समय कम रहता है, तो आप लोग छोटी वीडियो को जल्द देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल है, धरती पर बड़ी दीन है, नारी कथन है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कुंती का। अगला सवाल है, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में का भाव अर्थ है, जवाब हो जाएगा प्रतिभावान कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। अगला सवाल है, कर्ण से कवच कुंडल किसने मांग लिया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी इंद्र ने। चौथे नंबर पर सवाल है कि परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया, तो इसका जवाब हो जाएगा जाति छिपाने के लिए, यानी ख इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, टिप्पण की विशेषता है, जवाब होगा संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा, उपरोक्त में सभी, तो घ इस करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि दिनकर जी कैसे कवि के रूप में ख्यात हैं, यानी कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी राष्ट्र कवि। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है आठवां नंबर पे कि दिनकर जी का निधन कब हो गया, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी 1974 ईस्वी। अगला सवाल है नौवां नंबर में कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो जवाब हो जाएगा गांव की पाठशाला में। अगला सवाल है, दिनकर जी की उच्च विद्यालय शिक्षा कहाँ हुई, तो जवाब हो जाएगा मोकामा में, यानी ख इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दिनकर जी की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ हुई, तो जवाब हो जाएगा पटना में। अगला सवाल है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किस विषय से किया, तो जवाब होगा इतिहास से। अगला सवाल है, दिनकर जी बीए करने के पश्चात प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए, तो जवाब हो जाएगा बरबीघा हाई स्कूल में। अगला सवाल है, दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब नियुक्त हुए, तो जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब तक कार्यरत रहे, जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी तक। अगला सवाल है, दिनकर जी हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कहाँ नियुक्त हुए, तो जवाब हो जाएगा लंगत सिंह कॉलेज में। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर कब मनोनीत हुए, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी 1952 ईस्वी में। अगला सवाल है, पद्म भूषण के सम्मानोपाधि दिनकर जी को कब प्राप्त हुई, तो जवाब हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अगला सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति दिनकर जी कब हुए, तो जवाब हो जाएगा 1963 ईस्वी से 65 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिनकर की काव्य यात्रा शुरू हुई, तो जवाब हो जाएगा छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की संधिकालीन के रूप में। अगला सवाल है, दिनकर जी की कविताओं में विद्यमान है, तो जवाब होगा छायावली कोमलता, छायावादी स्वच्छंदता और प्रगतिवाद का कठोर विद्रोह, इनमें से सभी, तो घ इस करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, दिनकर जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी, तो जवाब हो जाएगा छात्र सहोदर। अगला सवाल है, दिनकर जी की प्रथम काव्यकृति है, तो जवाब हो जाएगा अविजय संदेश। अगला सवाल है, प्रण भंग प्रकाशित हुआ जब दिनकर जी मैट्रिक कर चुके थे, तो ख इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 25वां नंबर पे, दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्यकृति है, तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र।
अब अगला जो सवाल है 26वां नंबर से, ये अगले वीडियो में आएगा, ये वीडियो पार्ट वन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।